जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि हम लोग किस पे बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं, ये TVS कंपनी की एक नई बाइक आई है, अपचे 160। इसमें बाइक तो सेम है लेकिन कंपनी ने कुछ और चेंजेस किया है, तो मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हुआ है। आज हम बात करेंगे TVS अपचे के बारे में 160। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्या क्या चेंजेस हुआ है। देखिए, आप तो जान रहे हैं इसके बारे में, ये जो गाड़ी है 160 सीसी की गाड़ी है, RTR जो 160। इस पर ये इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है। इसमें है कि आपको जो लेग गार्ड साइड से परचेस नहीं करना पड़ेगा, इसमें वो लगा हुआ आता है। और बात करेंगे ये जो डबल डिस्क और सिंगल डिस्क में आता है, और डिस्क में भी वो ABS ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें ABS लगा हुआ है, ये फ्रंट में ABS है, ट्यूबलेस टायर है, शॉकर जो है ये टेलीस्कोपिक शॉकर दिया हुआ है। और हेडलाइट की बात करेंगे तो फुल्ली LED लाइट कर दिया है। और इंडिकेटर की बात करेंगे तो थोड़ा सा पहले से स्टाइलिश किया है, पहले में एक इससे और डिफरेंट आता था, ये न्यू लुक में जो लाया है। और डिजिटल मीटर की आप बात करेंगे तो फुल्ली कर दिया है डिजिटल, ये एनालॉग मीटर फुल्ली और डिजिटल मीटर है। और सीट जो सेम है, पीछे का भी जो इंडिकेटर चेंज किया गया है, और कलर में कुछ चेंजेस किया है। पहले आप देख रहे हैं, पहले जो ये वाला चीज़ नहीं आता था, लेकिन अब ये जो नया वाला मॉडल आप लेंगे तो उसमें ये लगा हुआ लग के आएगा। और वो इंजन के साथ कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और टायर में जो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सारा चीज़ सेम है। बस ये आपको साइड इंडिकेटर को चेंज किया गया है, और डिस्प्ले मीटर को फुल्ली डिजिटल मीटर कर दिया गया है, और ये पैनल को चेंज किया है। बाकी वो सारा चीज़ पहले जैसा है, कुछ और कलर में भी चेंजेस हुआ है, तो कुछ और बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन आपको एडवांस कर दिया है। और पहले वाले मॉडल में थोड़ा डिफरेंट आता था, वो जो साइड पैनल नहीं आता था और फुल्ली डिजिटल मीटर नहीं आता था। तो ये साल आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। और जो पीछे का भी टायर ट्यूबलेस है, और ये सिंगल डिस्क है, यानी फ्रंट में ही डिस्क लगा हुआ है इसमें। अगर बैक साइड में मैं आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं, ये जो पीछे में ड्रम है, और इसमें अभी जो मॉडल मेरे पास लगा हुआ है ये सिंगल डिस्क ABS है, और इसमें जो कंपनी ने डबल डिस्क भी लॉन्च किया गया है, तो अभी वो मेरे पास यहाँ पे शोरूम में नहीं है, एक्चुअली वो सेल हो गया है। और नया मॉडल ज़्यादा बिकता है किसी भी कंपनी में अगर लॉन्च होती है तो। और अपाची जो है अपने नाम से ही बिकता है, इसको जो पहचान की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है ये TVS का, सबसे पहला गाड़ी है और जो लोगों की पसंद। और TVS वो गाड़ी बनाती है जो देखते ही पसंद आ जाए और चलाने का मन करे, TVS ऐसा गाड़ी बनाती है। अपाची अपने नाम से ही बिकता है। आप देख सकते हैं इसका डिजाइनिंग कितना खूबसूरत है, साइड स्टैंड और जो मेन स्टैंड लगा हुआ है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का भी ऑप्शन दिया हुआ है आपको, रिजर्व का ऑप्शन नहीं है, FI मॉडल है। और जो माइलेज की बात करेंगे तो 45 to 55 का माइलेज है इसमें, और बहुत ही दमदार इसका परफॉर्मेंस है। रोड ग्रिप बहुत अच्छा है, बैलेंसिंग बहुत अच्छा है, ब्रेकिंग हॉर्स पावर भी अच्छा है, क्योंकि आगे में ABS है तो कंट्रोलिंग पावर भी बहुत अच्छा है। जीरो मेंटेनेंस की गाड़ी है, और गाड़ी की लंबाई भी है, और एक चक्के से और दूसरे चक्के की दूरी है और 175 mm, यानी बहुत लंबा है गाड़ी, और जितना लंबा रहेगा रोड पर उतना अच्छा ग्रिप और बैलेंस बना रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्रंट से भी दिखा देता हूँ इसका लुक, ये आप देख सकते हैं ये फ्रंट लुक है इसमें। और इसका जो लाइट है फुल्ली LED लाइट है, और ओमेडिगार्ड पे भी देखिएगा ये ग्रे और रेड का कॉम्बिनेशन जो बहुत ही खूबसूरती आगे की खूबसूरती बढ़ा देता है, ब्लैक है। और ये जो व्हील सीट लगा हुआ ब्लैक में है, यानी वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन और शुरू से चला हुआ आ रहा है। और यहाँ पे ये जो TVS का लोगो है, हॉर्स रनिंग मूड में है, वो भी दिया हुआ है, ये TVS का लोगो है, TVS का पहचान है। और देखिए नीचे में लिखा हुआ है TVS रेसिंग,
तो ये बहुत ही अच्छा गाड़ी है, मार्केट में बहुत बिकता है, अपने नाम से बिकता है और इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ ताकि आप शोरूम में जाएँ तो आपको पहचानने में आसानी हो नए और पुराने मॉडल में, ठीक है। और देखिए इसका जो पासिंग भी दिया हुआ है, अलग से पासिंग दिया हुआ है, आपको अपर डिपर दिया हुआ है, इंडिकेटर और हॉर्न। और यहाँ पे देखिए जो मूड, बहुत सारे और डिस्प्ले मीटर में मूड इधर होता है लेकिन इसका मूड यहाँ पर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये मूड का ऑप्शन है, वो मीटर का मूड का ऑप्शन है, ये आपको पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन है, ये आपका सेल्फ का जो बटन है। और यहाँ पे RTR 160 लिखा हुआ है तो बहुत ही एडवांस दिखता है ये आगे का लोगो। और देखिए यहाँ पे ये कैप भी दे दिया हुआ है खूबसूरती के लिए, हाँ। और ये आपको टैंक कैसे खोलना है उसका डायरेक्शन भी लिखा हुआ है, लेफ्ट ओपन, यानी इसको और लेफ्ट साइड में चाबी को घुसाना है और आपका ये जो टैंक खुल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कंपनी कब से यहाँ पे काम कर रहा है इस गाड़ी पे, तो वो भी लिखा हुआ है रेसिंग सिंस 1982, देख सकते हैं आप, रेसिंग सिंस 1982। और सीट का भी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा है, इसमें छोटे छोटे डॉट दिए हुए हैं ताकि आपको जो कंफर्टेबल फील हो। यहाँ पे जो सिलाई किया हुआ है वो भी आपको जो दिख रहा है, और जो दोनों तरफ RTR 160 लिखा हुआ है। और पीछे का भी लुक बहुत अट्रैक्टिव है, तो ये गाड़ी अपने नाम से बिकता है, ये वो इसको पहचान की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा भी लगे कि आपके काम का है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो अच्छा अच्छा लेके आऊँ, ताकि आपको घर बैठे इन्फॉर्मेशन मिल सके।